गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। मौलाना मुंबई के घाटकोपर इलाके से पकड़ा गया है। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी पर कई धाराओं में मामला दर्ज करके हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद घाटकोपर पुलिस स्टेशन के सामने बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठे होकर नारेबाजी की। माहौल को गर्माता देखकर पुलिस बल को भी बड़ी संख्या में सुरक्षा कारणों के चलते लगाना पड़ा। हेट स्पीच मामले में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के वकील का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मौलाना ने ऐसा कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया है। पता नहीं कुछ 35 से 40 पुलिसमैन सिविल ड्रेस में, सिविल यूनिफॉर्म में मुफ्ती साहब के घर पे थे। सुबह में हम लोग जाने के बाद में हम लोगों ने पूछा कि क्यों आए हैं, क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम आपको बताएंगे। काफ़ी बार हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर क्या मामला है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। मुफ्ती साहब ने कोऑपरेट किया, मुफ्ती साहब ने दरवाज़ा खोला, उनको घर में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मुफ्ती साहब अंदर बैठे, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की, तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब के ऊपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब ने बोला कि यहाँ का दर्ज किया है तो 53 का मामला है, तो अर्नेश कुमार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, बीकेडी के वासु के गाइडलाइंस के हिसाब से आप मेरे को 41A का नोटिस सर्विस कर दो, हम लोग आपको जो भी है कॉपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, आप मुझे जो भी पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, और चाहिए तो आप अभी भी मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाना चाहते हैं स्टेटमेंट देने के लिए तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने मुफ्ती साहब यहाँ पे आए, अपना स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन पुलिस की तरफ से ना 160 का नोटिस दिया गया, ना 41A का नोटिस दिया गया। मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को इल्लीगली तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है, कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी लोग ने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन किसी की भी तरफ से कमिश्नर भी आए, एडिशनल सीपी साहब भी आए, लेकिन हम लोग ने सबको रिक्वेस्ट किया कि सर आप 41A का कंप्लायंस कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, रूलिंग है, जो ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल 15 डेज का हम लोग को मिलता है, हम लोग वो लेके कंप्लाई करेंगे। और जब भी मुफ्ती साहब ने ये खुद सामने से बोला है कि आपको जब भी पुलिस स्टेशन में हमारी ज़रूरत है हम आएंगे आपको पुलिस स्टेशन में, आपको कोऑपरेट करेंगे, हमारा जो भी स्टेटमेंट लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से उनको अभी तक के डिटेन करके रखा गया है, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है उन्हें। सुबह लगभग अब 8 घंटे हो चुके हैं, 12 बजे उनको घर से लेके आया गया था, 8 घंटे हो चुके, लेकिन अभी तक के कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रॉपर तरीके से। बताया जा रहा है वो वीडियो बहुत पुराना भी ऐसा दावा किया जा रहा है, जिस वीडियो को लेकर वो वीडियो के बारे में अभी तक की कुछ जानकारी नहीं मिली कितना पुराना है क्या है, लेकिन अभी उसके ऊपर किसी की धार्मिक भावना को भड़काया नहीं गया है, जो भी है सोशली इसको गलत तरीके से मैसेज किया गया है, और इसके अंदर आप देखेंगे, आप खुद वो वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर कोई भी तरीके का प्रोवोक स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, किसी के भी बारे में उसके ऊपर गलत टिप्पणी मुफ्ती साहब ने नहीं की है, कोई स्टेटमेंट नहीं किया गया है। सिर्फ इतना है कि पुलिस स्टेशन के बाहर वहाँ पर कुछ लोग RSS, VHP, बजरंग दल के लोग ने वहाँ पे स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया, जिसकी वजह से पुलिस को सुओ मोटो इनिशिएटिव खुद से ये FIR लेनी पड़ी और उन्होंने ये FIR लिया। इसके अलावा सलमान मुफ्ती के थाने के अंदर से अपने समर्थकों से अनुरोध करते हुए कहा कि जो लोग पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं वो लोग कानून व्यवस्था बनाए रखें, पुलिस ने अभी सिर्फ पूछताछ के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। जोश में कभी होश ना खोना चाहिए, हालात जैसे भी है मैं आपके सामने हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूँ मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और ना ही किसी क्राइम पर मुझे लाया गया। मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी इनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है, और जो होगा अच्छा ही होगा, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हो हाथ उठा करके बताए मोहब्बत करते हैं तो ये रोड खाली कर दीजिए, बस रोड खाली कर दू पुलिस के लिए मसला न होने पर। बड़े प्यार से, बड़े प्यार से अलहमदुल्ला।
तो सुना आपने, पहले इस तरह के कट्टरवादी लोग एक खास समुदाय को भड़काते हैं और फिर खुद ही लोगों से शांति की अपील करते हैं। फिलहाल घाटकोपर पुलिस मौलाना के ऊपर लगे तमाम आरोपों की जांच की जा रही है। अगर वो दोषी पाया गया तो हेट स्पीच मामले में उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।